यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। If you jump barefooted on a hard surface, your legs gets injured, but they are not injured if the jump on the soft surface, है ना? क्यों? क्योंकि जब तुम गिरे, है ना? जब तुम गिरे तो तुम्हारे पास कुछ वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो अगेन वही होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन बोले, एवरेज एक्सेलरेशन बोले तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो जब तुम हार्ड सर्फेस पे गिरते हो तो चेंज इन वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंट रहेगा ना, यू माइनस जीरो, इनिशियली थी, फाइनल जीरो हो गई ना, यू बाई डेल्टी। तो हार्ड सर्फेस पे क्या हो जाता है, है ना, हार्ड सर्फेस, योर लेग्स गेट हर्ट, है ना, हार्ड सर्फेस पे ये डेल्टी तुम्हारा बहुत छोटा होता है, इज वेरी स्मॉल। अगर डेल्टी बहुत छोटा होगा, क्योंकि तुम्हारा तुरंत जो वेलोसिटी कम हुई वो तुरंत कम हो गई, तो एक्सेलरेशन इज लार्ज, और एक्सेलरेशन लार्ज होगा तो फोर्स जो लगेगा, जो नॉर्मल फोर्स तुम्हारे पैरों पर लग रहा है वो ज्यादा होगा, तुम्हारी हड्डियां भी टूट सकती है ना, ठीक है। पर जब अपन सॉफ्ट सर्फेस पे जंप करते हैं ना, जैसे सैंड पे जंप करते हैं, पिलो पे करते हैं, बिस्तर पे करते हैं, तो डेल्टी क्या हो जाता है, डेल्टी बढ़ जाता है, डेल्टी इज लार्ज। अगर डेल्टी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज स्मॉल, एक्सेलरेशन स्मॉल हो गया तो फोर्स भी स्मॉल हो गया, है ना। तो वो ज्यादा समय तक कम फोर्स लग रहा है, यहां पे हो रहा है बहुत ज्यादा फोर्स, हार्ड सरफेस पे बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है कम टाइम के लिए, और हमें जो तोड़ता है वो फोर्स होता है तो है ना, तो हमारी हड्डी टूट जाएंगी। पर यहां पे फोर्स ना टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड हो गया, कम फोर्स लग रहा है ज्यादा समय तक, तो हमारी हड्डियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, हम बच गए ना, हमें इतना हर्ट नहीं हुआ, ठीक है। सेम चीज होती है ना, जो क्रिकेट वाले होते हैं, क्रिकेट वाले बॉल पकड़ते समय हाथ पीछे क्यों करते हैं, तो वो टाइम बढ़ा देते, वो कॉलिजन का टाइम बढ़ गया उनका, है ना, तो उससे उनको कम हर्ट होता है ना। अगर वो ऐसे ही पकड़ लेंगे तो उनके हाथ पे लग जाएगी।